नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित शर्मा। आप देख रहे हैं टॉरपीडो अर्पित चैनल को। तो बने रहिए, इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ व्हाट्सएप से रिलेटेड करंट अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जितने भी व्हाट्सएप यूज़र हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2019 में व्हाट्सएप ने पहले भी डिक्लेयर कर दिया था कि व्हाट्सएप कुछ मोबाइल में नहीं रन करेगा। व्हाट्सएप ने पहले भी ये डिक्लेयर कर दिया है 31 दिसंबर 2019 में कि वो अब विंडोज़ स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप रन नहीं करेगा। और आने वाली तारीख 1 फरवरी 2020 में फिर से व्हाट्सएप ने अनाउंस कर दिया है कि व्हाट्सएप कुछ गिने चुने स्मार्टफोन्स में बंद होने वाला है। तो बने रहे, इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप किस किस मोबाइल में बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 2020 से कुछ गिने चुने स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप रन नहीं करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, खबर निकल के आई है 1 फरवरी 2020 से कुछ स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप रन नहीं करने वाला है। जी हाँ, ये आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी हो सकता है और एप्पल स्मार्टफोन भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो 1 फरवरी 2020 से पहले देख रहे हैं तो अपनी चैट कन्वर्सेशन का बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए बता देता हूँ कि कौन कौन स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप बंद होने वाला है। जितने भी यूज़र ऐसे हैं जिनका एंड्रॉयड वर्ज़न 2.3.7 है या उससे पुराना है, व्हाट्सएप उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम बंद करने वाला है। अगर आईफोन्स यूज़र्स की बात करूँ तो जिनका iOS वर्ज़न 8 से नीचे या 8 है, उनके लिए भी ये एक बैड न्यूज़ निकल के आई है कि उनके लिए भी अब व्हाट्सएप बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एंड्रॉयड वर्ज़न 2.3.7 के ऊपर है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर एप्पल यूज़र की बात करूँ तो जिनका iOS वर्ज़न 8 के ऊपर है, तो उन यूज़र को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके में भी व्हाट्सएप इजीली रन करेगा। लेकिन जो यूज़र ऐसे हैं जिनका एंड्रॉयड वर्ज़न या iOS वर्ज़न इसके नीचे है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी न्यूज़ व्हाट्सएप को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ।